रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में से एक है। एनिमल एक्टर इन दिनों अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। 25 दिसंबर साल 2023 को रणवीर और आलिया भट्ट ने अपनी बेटी राहा कपूर का चेहरा मीडिया में रिवील किया था। इससे पहले भी एक्टर अपनी लाडली के बारे में कई इंटरव्यूज में बात करते हुए नजर आए हैं। इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। रणवीर ने अपनी बेटी राहा के साथ अपनी पसंदीदा पल के बारे में खुलासा किया। टाटा AIG GIC को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया, इसके साथ ही आंखें मिलाना, उसका एकदम से मुझे पहचान जाना, मुझे हग करना, किस करना, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई दूसरा पल होगा। इसके अलावा एक्टर ने बताया कि उनका संडे कैसा बीतता है। उन्होंने कहा, रविवार राहा के साथ बहुत सारा समय बिताना, खाना खाना, फुटबॉल, गोल्फ या पैडल टेनिस में से कोई एक खेल खेलना और एक फिल्म देखने के साथ दिन खत्म करना। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा का जन्म 6 नवंबर 2022 में हुआ था। बीते साल इस कपल ने अपनी लाडली का पहला जन्मदिन मनाया था। करीब एक साल इस कपल ने अपनी बेटी राहा का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया। थोड़ी दिन पहले ही उन्होंने अपने फैंस को राहा का फेस दिखाया। रणवीर कपूर निर्देशक नितेश तिवारी की मूवी रामायण को लेकर चर्चा में है। रणवीर कपूर और साई पल्लवी के साथ रामायण को ऑन द फ्लोर किया जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर को उद्घाटन का न्योता रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को भी मिला है। ऐसे में आने वाली 22 जनवरी को रणवीर आलिया के साथ अयोध्या में होने वाले इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा एक्टर ब्रह्मास्त्र 2 में भी नजर आएंगे।